हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप अगर कोई सी भी आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर से अप्लाई करिए, क्योंकि इसमें जो सैलरी लगने वाली है आपकी काफ़ी बेहतरीन सैलरी लगने वाली है। और इसमें मैं आपको लेबर कैटेगरी का भी काम बताऊंगा, और आपको एक जब आप रिटर्न हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप काम कर सकते हैं। इसमें रिटर्न भी बताऊंगा और फ्रेशर भी बताऊंगा, हर तरह के आपके इसको मैं वैकेंसी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जॉब से रिकॉर्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरब से है और काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आपको कोई काम वगैरह नहीं आता, तो आप इसमें ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बेहतरीन काम है और इसमें जो सैलरी लगने वाली है आपकी वो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं, जो आपका काम रहेगा वहाँ पर पोल्ट्री फार्म रहेगा लेबर, ठीक है ना? जो मुर्गी फार्म वगैरह रहता है उसका लेबर का काम रहेगा आपका। लेबर में आपको उनको देखभाली का काम करना रहेगा, दाना वगैरह रखना सारी चीज़, ये आपको साफ़ सफाई का काम भी उसके अंदर करना रहेगा। लेबर में सारे काम आ जाते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है ना? तो ये जो काम है आपका लेबर का काम है, इसमें हमें काफ़ी सारे बंदे चाहिए, लगभग 15 से 20 बंदे चाहिएंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। पासपोर्ट आपका ECR हो या ECNR हो, कोई भी पासपोर्ट हो, दोनों पासपोर्ट चलेगा, लेकिन आपकी एज जो होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, जितने मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो एज होनी चाहिए अगर पोल्ट्री फार्म में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 से 25 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से 25 के अंदर अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है अकोमोडेशन, यानी कि जो कंपनी आपको फैसिलिटीज दे रही है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, प्राइवेट और इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अदर जो बेनिफिट है सऊदी का लेवल लो के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो है दमाम का काम है, सऊदी अरब में दमाम का काम है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं, और इसमें आपका पासपोर्ट कोई भी हो तो भी चलेगा। आपकी जो सैलरी लगने वाली है, इसमें जो ड्यूटी रहेगी आपकी 12 घंटे की रहेगी, उसी के अंदर आपका इंक्लूड ब्रेक वगैरह सारी चीज़ उसी के अंदर रहेगी। 12 घंटे के अंदर ही आपको सारा चीज़ के लिए टाइम मिलेगा। तो इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 1000+200 रहेगी, यानी कि बराबर आपकी सैलरी जो रहेगी वो 1200 रियाल रहेगी प्लस ओवर टाइम। और इसमें वीक में आपको जो काम करना रहेगा वो 6 दिन काम करना रहेगा, और आपको महीने के अंदर 26 दिन काम करना रहेगा, ठीक है? यानी कि 4 छुट्टी निकाल देंगे आप, उसके बाद में काम करना रहेगा आपको। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी जीमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको देना होगा वो डॉक्यूमेंट्स में आपको देना है पासपोर्ट का दोनों सेट का स्कैन, पासपोर्ट साइज फोटो और एक अपना CV जिसमें आपका सारा डिटेल्स लिखा हुआ हो। ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसमें कोई CV सिलेक्शन किसी का इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एज प्रॉपर होनी चाहिए, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इंशाल्लाह आपका इसमें काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो काम है हमारे पास में ओमान से है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है ओमान की, और इसमें जो मैं बता दूँ आपको, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, जो फायर सेफ्टी टेक्नीशियन होता है उसकी ज़रूरत है हमें, और इसमें कैंडिडेट को डिप्लोमा होना ज़रूरी है, कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर होना ज़रूरी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसमें सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी लगेगी। कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और अदर बेनिफिट जो ओमानी लेवल लोग के हिसाब से आपको मिलेंगे वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपका इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और इसमें जो आपको ड्यूटी करनी होगी वो 9 घंटे की करनी होगी, और ओवर टाइम आपको प्लस लेवल के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें हमें ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए, सिर्फ 5 बंदे चाहिएंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया। और अपना इसमें जो आपका डिप्लोमा वगैरह सारे सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए, जो आप इसमें लगेंगे वो आपके होने चाहिए, ठीक है? तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारी जी मेल आई डी पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसकी जो आपकी सैलरी रहेगी 150 ओमानी रियाल रहेगी प्लस ओवर टाइम रहेगा, ठीक है? इंक्लूड उसी के अंदर फूड है, तो इसमें भी आप अप्लाई करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है ये है कुवैत से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, कुवैत से हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, और ये काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैं बता दूँ जूस मेकर,
यानी कि जूस बंदे को आना, जूस मेकर जूस से निकलना आना चाहिए, जो ये शॉप वगैरह रहती है इस पे मिलेगा। और ये जो बंदा चाहिए हमें रिटर्न चाहिए, गल्फ रिटर्न होना चाहिए ताकि इसको इस चीज़ की नॉलेज हो गए। बंदा रिटर्न होना चाहिए और बंदे इसमें हमें 5 बंदे चाहिए। सैलरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और अदर जो बेनिफिट है कुवैत के लेवल लोग के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जूस मेकर चाहिए हमें और कैशियर चाहिए, ये दोनों हमें गल्फ रिटर्न चाहिएंगे, जूस मेकर, कैशियर। और इसमें आपको मैं पासपोर्ट आपका ECR हो या ECNR हो, दोनों पासपोर्ट इसमें एक्सेप्ट एक्सेप्ट हैं। और बंदे को अगर गल्फ रिटर्न होगा तो अरबिक वगैरह भी आती होगी और इंग्लिश वगैरह भी आती होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 100, जूस मेकर में 140 KD रहेगी, प्लस उसी के अंदर आपका फूड रहेगा, 140 के अंदर ही आपका फूड रहेगा। 10 घंटे की ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा जो कैशियर का गल्फ रिटर्न होना चाहिए 140 KD है, उसी के अंदर उसका भी इंक्लूड फूड है और 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी प्लस ओवर टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। उसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो हमने आपको बताया है। आपके पासपोर्ट का दोनों सेट का स्कैन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं सेफ्टी, कोई सी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी के रिगार्डिंग आपके सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन आप लेबर में अप्लाई करेंगे तो खाली डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट वगैरह चल जाएगा, उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन है। बाकी के जो है सारे CV सिलेक्शन है। और इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनको हेल्प मिल सके और उनको नॉलेज हो सके। अगर अप्लाई करें तो वो हमारे पास से अप्लाई कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो आगे भी ज़रूर लेकर आऊँगा और ज़्यादा अच्छी अच्छी सैलरी के वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।